हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ मॉर्निंग टाइम ऊपर, और आके मैंने बहुत सारा काम किया है, साफ़ सफाई किया है, और यहाँ पे मेरे यहाँ सोलर लग रहा है। तो अभी थोड़ा काम बाकी है, पूरा तो ऊपर का लग चुका है और नीचे का जो तार वगैरह है कनेक्शन देना बाकी है। और कुछ सब्जियाँ मैंने लगा दिया है, चिचड़ा मैंने लगाया है, कद्दू लगाया है, और इधर मैंने करेला लगाया है और सेम लगाया है, और कुछ फूल वाले जो बल्ब मैंने लगाया है उसे भी मैं शेयर करूंगी। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ, ये वोकला है, जहाँ मैं पॉट खाली देखूंगी वहाँ लगा लूंगी। और कुछ ये देखिए सरसों के दाने मैंने लिया है, और लाल भाजी मैंने मंगाया है, उसके सीड्स है ये, और सोवा जिसको सोवा बोलते हैं, जो पालक के साथ होता है, पतले पतले से उसके लीव्स होते हैं, वो मैंने मंगवाया है, उसे भी मैं लगाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। अभी दोस्तों बहुत सारे फ्लावर ब्लूम कर रखा है, तो अभी ये वाले जो प्लांट है, अभी इसको मैं सोच रही हूँ हटा दूँ, फिर उसके बाद में लगा दूँगी इस पर। अभी तो बहुत सारे प्लांट्स लगाना है दोस्तों, गमला भी खाली रखना है मुझे, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, और सर्दियों में तो खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर प्लांट आने वाले हैं जिसे मैं ग्रो करने वाली हूँ। पिछले साल मैंने ग्रो नहीं किया था, इस बारी मैं सोच रही हूँ खूब सारा ग्रो करूँ। तो पहले से मैं बल्ब भी ग्रो कर रही हूँ, और साथ में कुछ सीड्स भी है, उसे भी मुझे लाना है और उसे भी ग्रो करना है। जैसे कि आप सीड्स में लगा सकते हैं मैरीगोल्ड और कॉस्मोस, जो सर्दियों वाले कॉस्मोस होते हैं वो लगा सकते हैं, और बहुत सारे सीड्स हैं, पिटूनिया के सीड्स हैं, गजनिया के सीड्स हैं, और बहुत सारे सीड्स हैं जिसे आप ग्रो कर सकते हैं। इस मंथ से शुरू कर लीजिए, बरसात जब भी आए तो उसको हटा लीजिए, तो गलेगा नहीं। तो चलती हूँ दोस्तों, मैं जाती हूँ, लगा लेती हूँ अपने सारे जितने वेजिटेबल्स मैंने सीड्स मंगवाए हैं, सबको लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।